नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो Honor Magic Watch 2 है उसकी कॉलिंग फैसिलिटी और उसकी कॉलिंग क्वालिटी कैसी है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला काम करते हैं हम इस वॉच के थ्रू हम किसी को कॉल लगा के देखते हैं और फिर इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ यूजर्स ने पूछा भी था। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो अपना मोबाइल है उसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके जो उसकी डिफॉल्ट जो सिम है कॉलिंग के लिए वो चूज करनी पड़ेगी। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का साइन है, मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट है। तो अब हम इसमें कॉल करके देखेंगे। तो आप कॉल लगाने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप कॉल लॉग में से यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्टेक्ट में से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कॉल लॉग को ओपन करता हूँ, तो ये जो वॉच है इसमें किसी प्रकार की कोई डायल कीपैड नहीं है, तो आपको या तो कॉल लॉग से या फिर जो आपके कॉन्टेक्ट है वहाँ से कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैं इनको जो ये है यहाँ से कॉल लगाता हूँ। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? अभी चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं, तैयार है क्या आज अपन चलने के लिए? बिल्कुल चलेंगे, टाइम होने दीजिए। मेरी आवाज कैसी आ रही है यहाँ पे? तैयार अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है, इसी बात पे तो फिर आप उधर से कॉल करो एक बार। तो अब सेकंड सिचुएशन आएगी जिसमें फोन आएगा, तो या तो मैं उसको इस फोन के थ्रू उठा सकता हूँ या फिर मैं इसको वॉच पे उठा सकता हूँ। तो उसको अपन वॉच पे उठा के देखेंगे। तो इस तरह से कुछ कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, अभी अभी वापस कॉल आया है और कॉल की जो ऑडियो क्वालिटी है आप खुद सुन सकते हैं। गाना सुना दो। चलो अब मैं वापस एक बार और करता हूँ, है ना? तो हमारे एक भाई है जो कॉलिंग के बारे में पूछ रहे थे, और वो पूछ रहे थे कि हम इसके स्पीकर माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में बताएं। तो स्पीकर और माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो अभी आपने सुनी ली होगी। आपने स्पीकर की जो वॉल्यूम थी वो सुनी और क्वालिटी सुनी, और इसकी आवाज़ सामने के साइड कैसी आ रही है वो मैं आपको अभी जो ऑडियो क्लिप है, ये जो आप ऑडियो क्लिप सुनेंगे ये सामने वाले फ़ोन पे जहाँ पे इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करी गई है वहाँ से है। एक बार आप सुन लीजिए। मेरी आवाज कैसी आ रही है यहाँ पे? अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। तो कुछ ऐसी इसकी ऑडियो क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलिंग के बारे में है कि ये भाई है निकेश भाई जो कि यहाँ पे आए थे वीडियो के अंदर, लेकिन इनको कुछ कॉलिंग के बारे में नहीं मिला। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ तो अभी तक बता दिया है, कुछ और बताएंगे अभी आपको। मनोज जांगड़ा भाई, इन्होंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनके क्वेश्चन को हम डिटेल से लेते हैं। इन्होंने पहले पूछा है कि तो क्या होता है। सबसे पहले हम अपने जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो कनेक्ट करते हैं इस मोबाइल से। तो ये मेरे वन प्लस के हेडफोन हैं, तो मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने इस मोबाइल से। और ये भाई जैसे कि बोल रहे हैं कि आप ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट कर लो मोबाइल से और जो कॉल है वो पिक करो स्मार्टफोन के बटन से, तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ये अभी कॉल आ चुका है और हम इसको उठाएंगे। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो ये तो अभी तो आवाज इस स्मार्ट वॉच में से आ रही है। अरे मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने फोन आया और ये कॉल मैंने अटेंड किया, अभी मेरा जो हेडफोन है ये वो भी कनेक्ट है मेरे मोबाइल से, लेकिन मैंने फोन इस वॉच से उठाया तो वॉच में से आवाज आ रही है। तो वॉच में से आवाज आ रही है क्योंकि मैंने घड़ी से कनेक्ट कर रखा है ना, घड़ी में फोन उठाया इसलिए। चलो अब हम वापस से दूसरी कंडीशन फॉलो करते हैं उन भाई साहब की और देखते हैं कि कैसे क्या आवाज आती है। ओके सर, वापस करते हैं ना। पहली कंडीशन थी उसका जवाब हमें मिल गया है कि अगर ऐसे कोई कनेक्ट है और आप वॉच पे कॉल पिकअप का बटन प्रेस करते हैं तो जो आप बात कर पाएंगे वो वॉच के थ्रू कर पाएंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है कि ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्टेड टू द स्मार्ट वॉच एंड प्रेस कॉल पिक बटन ऑन स्मार्ट वॉच। तो अब ये भी हम करके देख लेते हैं। जो हमारा जो ईयरफोन है इसको मैं पहले तो अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं अपनी वॉच से। मैं इसको यहाँ से फॉरगेट कर देता हूँ। कनेक्ट हो चुका है। तो अब मेरा जो हेडफोन है वो कनेक्ट है इस स्मार्ट वॉच से और स्मार्ट वॉच कनेक्ट है फोन से, और अब कॉल आता है तो देखते हैं। तो हम इसको पिक करते हैं यहाँ से। हेलो,
हेलो। हाँ जी सर, अभी मेरा हेडफोन से कनेक्ट है वॉच से, हाँ जी, और फिर भी आवाज़ आ रही है वॉच के अंदर। दोनों में आ रही है, एक वॉच में ही में आ आ रही रही है। है, वॉच में ही आ रही है, वॉच में ही, बस क्या बात। तो ये जो सर का सेकंड क्वेश्चन था कि आपका ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्टेड है स्मार्टवॉच से, तो अभी जो मेरा ब्लूटूथ हेडफोन था वो कनेक्ट था मेरे इस वॉच से, और जो मैंने कॉल पिक किया तो वो आवाज़ आ रही थी उसके अंदर। नेक्स्ट ये लिखते हैं कि क्या हम किसी भी सिनेरियो के अंदर ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर जो है कॉल पिक कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे जो अपना हेडफोन है इसको वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल से, और फिर हम आपको बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी सिनेरियो में कॉल है वो ब्लूटूथ पे कैसे ले सकते हैं। तो अभी एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें हम कॉल लगाएंगे अपने वॉच से। चुनौती का सामना कर रहा है, सबसे पहले फ़ोन को पिक करूंगा अपनी स्मार्ट वॉच पे और इसको फिर मैं ट्रांसफ़र करूंगा अपने हेडफोन पे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। हाँ सर, तो अभी एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम ट्राई करके देख रहे हैं। ठीक है, चलो है ना, फ़ोन काटना मत। देख रहे हैं कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। किसको? उसको देख रहे हैं। अच्छा, अभी जो ये फ़ोन है ये देखो यहाँ पे ब्लूटूथ पे है, तो मैं इसको अब ट्रांसफ़र करने वाला हूँ अपने वन प्लस के वायरलेस पे। तो अभी ये देखिए, हेलो, क्या आपको आवाज़ आ रही है? तो अभी आप कॉल था यहाँ वॉच में से डिसकनेक्ट हो चुका है, और ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे जो हेडफोन हैं उनके थ्रू बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको वापस वॉच पे सेंड करूँ तो क्या होगा देखते हैं। हेलो, ये देखिए वापस यहाँ पे वॉच के अंदर आ गया। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? दोनों आवाज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। वो क्या है कि वॉच थोड़ी दूर है, वो माइक्रोफोन पास है, इसलिए वो इसलिए माइक्रोफोन वाली ऐसी लगती है जैसे आवाज बहुत वो सिनेमा हॉल की तरह आ रही है। कॉलिंग में एक और बात करें तो जो कॉल लॉग है ये तो आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉल लॉग मिल जाएगा। जो इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है कॉन्टेक्ट्स की, तो इसमें आप 10 ही कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कॉन्टेक्ट्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं, लिखा है यूज हुआई हेल्थ ऐप टू ऐड कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे जो ये फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप अपने जो 10 फेवरेट कॉन्टैक्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच में। तो यहाँ पे देखिए नीचे प्लस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे अभिलाष का। ये कहते हैं कि जो अगर आपने अपना हेडसेट है वो वॉच से कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि अभी हमने पहले देखा, तो आप जो कॉल है वो केवल वॉच पे अटेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने जो अपना ब्लूटूथ हेडसेट है वो मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, तो आप कॉल है वो वॉच पे भी अटेंड कर पाएंगे और अपने ब्लूटूथ हेडसेट पे भी अटैच कर सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि ये है कि डू इट सपोर्ट द गूगल असिस्टेंट। नहीं भैया, ये गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट नहीं करती है। इसकी जो कॉलिंग फैसिलिटी थी और कॉलिंग का आपने देख लिया होगा, होप ये वीडियो कुछ आपकी समस्याओं को समाधान कर पाएगा और आपको पता लग पाएगा कि हाँ भैया कॉलिंग किस टाइप से होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके भी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको छोड़ दीजिए। मैं हो सका तो उनको आपका जो भी डाउट्स हो के उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Okay.